आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग अमेज़न एप्लीकेशन में आप अपना खुद का बैंक अकाउंट को किस प्रकार लिंक कर सकते हैं, और मैं अभी आप लोग को बैंक अकाउंट लिंक करके दिखाने वाला हूं, जिससे कि अगर आप लोग अमेज़न पे में अगर आप लोग यहां पर बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तब आप लोग यहां से अमेज़न से किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप लोग को अभी अमेज़न में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोग यहां पर बैंक अकाउंट किस प्रकार लिंक कर सकते हैं, और अभी मैं अभी आप लोग को लिंक करके दिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को हमारे वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, सिंपल आप लोग को उस लिंक पे टैप करना। जैसे ही मैं आप लोग के सामने लिंक पे टैप कर रहा हूँ, आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यानी तो आप लोग के सामने डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग के सामने इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो आप लोग को यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको ओपन पे टैप करना है और आप सभी का यहाँ पर अमेज़न एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी आप लोग को सिंपल तरीका में बताऊंगा कि आप लोग बैंक अकाउंट लिंक कैसे कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेने के बाद डायरेक्ट आप लोग यहां पर पहुंच जाएंगे सेट अप अमेज़न पे UPI। तो सिंपली आप लोग को यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। कुछ इस प्रकार का आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई लेगा, तो आपका जो भी नंबर होगा एक नंबर वाला सिम जो कि आप लोग अमेज़न अकाउंट बनाए हैं और आप लोग का जो बैंक अकाउंट में नंबर लिंक है, तो मेरा यहाँ पे जियो वाला नंबर है, तो यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ प्रोसीड पे टैब और मेरा यहाँ पे कुछ इस प्रकार का वेरीफाई लेगा। यहाँ पे आपको करने बोल रहा है सेंड, तो यहाँ पे आपको मैसेज सेंड करना होगा। कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपका देखिए 52 सेकेंड के अंदर आपका यह मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहा है। आप लोग यहाँ पर कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सारा बैंक का ऑप्शन आ चुका है। आप सभी को यहाँ पर जो भी बैंक यहाँ पर आपको एंटर करना है आपको सिंपल उस वाला बैंक को ले लेना है। तो मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लास्ट काम करना है कि यहाँ पे आप लोग को अपना यहाँ पर ATM कार्ड का 6 डिजिट यहाँ पे एंटर करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना ATM कार्ड का 6 डिजिट एंटर कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे अपना एंटर मतलब अपने ATM का 6 डिजिट एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अब आप लोग को डालना होगा मंथ और यहाँ पे अब आप लोग को डालना होगा ईयर। तो चलिए आप लोग अपना ATM कार्ड में मंथ और आप लोग यहाँ पर ईयर देख लेंगे और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सिर्फ डाल देना है। चलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ को एंटर कर दिया है और आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा सेट योर UPI पिन। जब आप लोग के पास इसमें कोई भी सेट UPI पिन होगा तो ये ऑप्शन आप लोग का नहीं आएगा। चलिए मैं करता हूँ सेट योर UPI पिन के ऊपर टैब, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे डायरेक्ट OTP, तो आप लोग का यहाँ पे डायरेक्ट OTP आ चुका होगा। ऊपर में आपने देखा कि OTP आ गया, यहाँ पे आपका डायरेक्ट ले लेगा। अगर आप लोग का डायरेक्ट नहीं लेता है तो आप लोग यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे OTP एंटर किया, अब आप लोग को यहाँ पर सेट UPI पिन करना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना UPI पिन को सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एरो वाले निशान पे टैप करना है और यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आपको कंफर्म UPI पिन एंटर करके आपको यहाँ पे सिंपली एरो वाले बटन पे टैप करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग यहाँ पे सारा चीज़ फिल कर देंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग को बोला जाएगा कंटिन्यू करने। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग के सामने पूरा आ जाएगा और आप लोग का यहाँ पर UPI पिन बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल अलाउ कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे अलाउ किया तो यहाँ पे मेरा अलाउ हो चुका है और अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग का यहाँ पर अमेज़न पे बन चुका होगा।
चलिए मैं आप लोगों के सामने सिंपली अमेजन एप्लीकेशन को फिर से ओपन करता हूँ। और अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ अमेजन पे पे। और अमेजन पे में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर UPI पिन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि यहाँ पर मेरा पहले नहीं था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अब आप लोग को अमेजन में बैंक अकाउंट लिंक कैसे करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो बस भाई, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।